चलिए तो बच्चा लोग, हम लोग बात कर रहे थे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 5 की। पावर्टी हम लोग पढ़ रहे थे और प्रीवियस क्लास में कॉजेस ऑफ पावर्टी एकदम डिटेल में पढ़ा। तो चलो आज की क्लास उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी पढ़ेंगे। टॉपिक है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू कॉम्बैट पावर्टी। तो बच्चा लोग, गरीबी को कम करने के लिए सरकार ने कौन कौन से प्रोग्राम्स, कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई, सारी पॉलिसीज पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इन्हीं प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स भी बोलते हैं। क्या बोलोगे? पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। तो चलो बच्चा, सबसे पहले तो ये समझो कि सरकार ने आखिर कब से ये प्रोग्राम स्टार्ट किए, या सरकार ने कब सोचा कि देश से गरीबी को कम करना चाहिए। तो सरकार ने सबसे पहला प्रयास किया 1961 में, और सरकार ने यह सोचा कि एक काम करते हैं, लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? फाइनेंशियल असिस्टेंस, लोगों को पैसों में कुछ सहायता प्रोवाइड करते हैं और साथ में एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार प्रोवाइड करते हैं। तो सरकार ने सबसे पहले गरीबी को कम करने के लिए 1961 में प्रयास किया और क्या सोचा कि लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके हम गरीबी को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो सरकार की इस सोच पर सरकार ने चार पॉलिसीज बनाई। कितनी पॉलिसीज बच्चा? चार। सबसे पहला प्रधानमंत्री रोजगार योजना, दूसरी है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, तीसरी जो पॉलिसी है वो है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, और चौथी जो है वो है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। तो बेसिकली ये चार योजनाएं चलाई। अच्छा, चारों योजनाओं में आप एक बात ध्यान रखोगे, देखो रोजगार योजना एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली ये जो चारों योजनाएं थी किसके ऊपर बेस्ड थी? एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। कब प्रयास किया ये? 1961 में। अभी इन चारों योजनाओं को ना एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद आओ, 1961 के बाद सरकार का जो सेकंड प्रयास था वो था 1990, और 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी आई थी, याद है ना। सो 1990 से 2000 तक सरकार ने क्या सोचा कि यार एम्प्लॉयमेंट हम कितना देंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस हम कितना देंगे, इससे गरीबी कम नहीं कर पाएंगे। तो सरकार ने अपना ऑब्जेक्टिव चेंज किया। सरकार ने कहा एक काम करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। कौन से? सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, ठीक है, जो क्या करेंगे, छोटे मोटे लोन्स प्रोवाइड करेंगे। आपस में लोग ग्रुप बना लेंगे, सब लोग पैसा इकट्ठा करेंगे, जो जरूरतमंद पर्सन होगा उसको लोन देंगे, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के भी गरीबी कम की जा सकती है, सरकार ने सोचा। कब सोचा? सन 1990 से 2000 के बीच में, ठीक है। अब इस योजना में, इस सोच के ऊपर सरकार ने अगेन चार पॉलिसी लेके आए। इस सोच पर भी कितनी पॉलिसी लाए? चार। एक एक से सुनो। सबसे पहला है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ठीक है, स्वरोजगार योजना। इसके बाद नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके बाद नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, और एक और है वो है मनरेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो बच्चा ये चार योजनाएं हैं, वापस से रिपीट कर देता हूं, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, और मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो ये चार योजनाएं थी, किसके ऊपर बेस्ड थी? सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर, ठीक है, छोटे मोटे लोन्स के ऊपर, ठीक। अब सरकार ने फिर सोचा, सरकार ने कहा नहीं भैया, इन योजनाओं से भी गरीबी को हम कम नहीं कर पा रहे, कुछ ऑब्जेक्टिव चेंज करना चाहिए। एक बात याद रखना, ये सारी योजनाएं पढ़ाऊंगा डिटेल में पढ़ाऊंगा, पहले शॉर्ट में समझ लो कि सरकार ने आखिर प्रयास कैसे किए, ठीक है। सुनो, इसके बाद अब सरकार ने फिर देखा, भैया रोजगार कम नहीं हो रहा, सॉरी बेरोजगारी और साथ में गरीबी कम नहीं हो रही इससे, ठीक है। तो सरकार ने अगेन सन 2000 के बाद और
2023 चल रहा है अभी, तो 2023 तक फिर अगेन सरकार ने फिर ऑब्जेक्टिव चेंज किया। ठीक है, सरकार ने अब सोचा कि एक काम करते हैं, लोगों को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं, या कहें कि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक करते हैं। अभी क्या ठीक करते हैं बच्चा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग समझते हो, लोगों का रहने खाना पीने का तरीका बदलते हैं। एक काम करते हैं, लोगों को कम से कम जो बेसिक नीड्स है ना, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सरकार ने इसके द्वारा जो योजना चलाई है ना, जिनका नाम आपने भी सुना है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आवास योजना पक्का आपने सुना होगा, जनधन योजना पक्का आपने सुना होगा, है ना, मिड डे मील पक्का आपने सुना होगा, इसके अलावा पोषण अभियान, है ना, और PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, भैया राशन बहुत बट रहा है, सुना है ना, ये सारी योजनाएं इसके द्वारा चलाई गई, इस ऑब्जेक्टिव को लेके चलाई गई। ठीक है, तो एक एक से लिखते जाओ, सब लोग नोट कर लो कौन कौन सी योजनाएं हैं। सबसे पहला PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि राशन की दुकान। ठीक है, दूसरा आओ मिड डे मील, बच्चों को भैया खाना दिया जाता है फ्री में, ठीक है, स्कूल के बच्चों को मिड डे मील। तीसरा नोट कर लो पोषण अभियान, पोषण अभियान। ठीक है, सबके बारे में बताऊंगा, एकदम डिटेल में बताऊंगा पोषण अभियान। पोषण अभियान के बाद लिखो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, वो भी इसके अंदर आएगी। और एक और लिख लो अंबेडकर योजना थी एक, हाँ वाल्मीकि अंबेडकर और आवास योजना। ठीक है, और नोट कर लो इसमें NSAP, सो ये है आपकी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। और एक और नोट कर लो प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, टोटल ये है योजना। अब आप सोचो कितनी योजनाएं आपको पढ़नी है, चार यहाँ, आठ के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, तो टोटल इस चैप्टर में 15 योजनाएं हैं। ठीक है, अच्छी बात। दूसरी चीज, इस योजनाओं के बाद, इनको डिटेल में पढ़ने के बाद, आपको एक और टॉपिक दिया होगा, वो होगा क्रिटिकल असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट कि ये योजनाएं कहां तक कारगर हुई और कहां तक कारगर नहीं हुई। अच्छी बात बताता हूं, आपको लग भी रहा होगा सर वीडियो इतनी जल्दी खत्म हो गई, आपने ये योजनाएं डिटेल में नहीं पढ़ाई क्या। अच्छी बात बताता हूं कि जो हमारा एग्जाम है ना अभी मार्च 2023 में जो होने वाला है बच्चा, उसके हिसाब से CBSE के नए सिलेबस के हिसाब से ये योजनाओं को डिटेल में पढ़ना, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है, अभी ये आपको नहीं पढ़ना। बस यार याद रखना कि सरकार ने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बनाए, कब कब बनाए, भले आप इनके बारे में याद ना रखना। दूसरी बात, जो क्रिटिकल वो दे रखा है ना असेसमेंट, क्रिटिकल असेसमेंट लास्ट टॉपिक, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसे भी नहीं पढ़ना। ठीक है, अब एक काम करो, जल्दी से इसका ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि यार कम से कम यार इतना तो याद रखना। ठीक है, कौन कौन सी योजनाएं हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले चुके हो तो बच्चा लोग, और हाँ ये PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। देखो सारी योजनाओं को मैंने डिटेल में लिख रखा है, शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, तो अगर आपको जरूरत हो तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। कहाँ प्रोवाइड करूंगा? जहां से इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पे। बाकी बच्चा लोग, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो है अब वो आएगी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। तो चलिए बच्चा लोग, आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद, मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू।